घर में रहे घर में रहे और एक ही काम करे कि अपने घर में ही रहे। दोस्तों स्वागत करते हैं बिंदास खबरें में, जहां हम आपको बताते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। दोस्तों जहां देश में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर मचा रखा है, वहीं इसको देखते हुए कुछ राज्य ने तो लॉकडाउन लगा दिया है और कुछ राज्यों में कर्फ्यू और कहीं पर तो धारा 144 लगा दिया गया है। इसको लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कुछ बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएं की हैं। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा और अंत तक जरूर देखें। तो आइए आपको बताते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में एक हफ्ते के लिए बढ़ाया जा सकता है लॉकडाउन। यहां पर दोस्तों आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में कोरोना के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार लॉकडाउन को एक हफ्ते के लिए बढ़ा सकती है। इस बारे में आज ही फैसला होने की संभावना भी है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार के पास लॉकडाउन बढ़ाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। इसके पहले अरविंद केजरीवाल सरकार ने 1 मई को हफ्ते भर के लिए लॉकडाउन बढ़ाने का ऐलान किया था। आपको बता दें कि कोविड-19 के मामलों में लगातार ही तेजी से बढ़ोतरी हो रही है, जिसके कारण 10 मई तक दिल्ली में लॉकडाउन लागू है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की लगातार तीसरे दिन कोरोना के 4 लाख से ज्यादा मामले, 4000 से ज्यादा लोगों ने तोड़ा दम। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी से जूझ रहे देश में आज यानी कि शनिवार सुबह मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे में भारत में संक्रमण से 4187 मरीजों की मौत हो गई है। और दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 4,01,078 नए मामले सामने आए, जबकि इसी दौरान 3,18,609 लोग कोरोना को हरा कर ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अगर आपके पास है राशन कार्ड तो मिलेंगे 4,000 रूपए कैश, करोड़ों लोगों के खाते में आएंगे इस महीने पैसे। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि अगर आपके पास भी राशन कार्ड है तो इस राज्य सरकार की तरफ से आपको 4,000 रूपए कैश दिया जाएगा। आपको बता दें कि तमिलनाडु सरकार ने कैश देने का ऐलान कर दिया है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभालने के बाद MK स्टालिन ने हर परिवार को कोरोना राहत के रूप में 4,000 रूपए देने के आदेश दिए हैं, जिसमे की 2,000 रूपए की पहली किस्त मई महीने में मिल जाएगी। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि राज्य सरकार के इस घोषणा से 2,70,00,000 राशन कार्ड धारकों को फायदा होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि दक्षिण में रेल परिचालन पर पड़ा कोरोना का असर, 6 से 16 मई तक नहीं चलेंगी ट्रेनें। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना महामारी का प्रकोप हर तरफ अपने चरम पर है, साथ ही देश के दक्षिणी भाग में इस समय घातक वायरस का कहर सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए केरल सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके बाद से दक्षिण रेलवे की कई ट्रेनों के परिचालन पर असर पड़ा है। आपको बता दें कि दरअसल भारतीय रेलवे ने दक्षिण में कोहराम मचा रहे कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए वहां जाने वाली कई ट्रेनों के परिचालन को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि दक्षिणी रेलवे ने 6 से 16 मई तक कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। पहले इन ट्रेनों के परिचालन को 15 मई तक ही रद्द रखने की घोषणा की गई थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की SBI ने की कॉन्टेक्टलेस सर्विस की शुरुआत, बस एक कॉल पर हो जाएगा ये काम। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना के लगातार बढ़ते केसों के मद्देनजर भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI ने अपने कस्टमर्स के लिए कॉन्टेक्टलेस सर्विस की शुरुआत कर दी है। अब यूजर्स घर बैठे फोन पर ही बैंक से जुड़े कई काम कर पाएंगे। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि SBI ने ट्वीट के जरिए टोल फ्री नंबर जारी किया है और उन्होंने कहा है कि आपकी तत्काल बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने में आपकी मदद करेगा। हमारे टोल फ्री नंबर 1800-11-2211 या फिर 1800-425-3800 पर कॉल करें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की छात्रों के लिए जरूरी खबर, इस महीने हो सकती है 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं, 1 जून की बैठक में सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं फिलहाल टाल दी हैं, जिसको लेकर चर्चाओं का बाजार भी गर्म है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब जुलाई के बाद ही 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन हो सकेगा। देश भर में कोरोना संक्रमण की जिस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए तो माना ये जा रहा है कि जुलाई के बाद ही 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं हो सकती हैं। आपको बता दें कि 12वीं की परीक्षाएं कब और कैसे कराई जाए, इसको लेकर 1 जून को सरकार और शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय बैठक होगी। इस बैठक में ही तय होगा कि 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं कब और कैसे कराई जाए। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि CM केजरीवाल ने हर महीने मांगी है 85 लाख डोज, बोले कि 3 महीने में खत्म कर देंगे वैक्सीनेशन। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि आज वैक्सीन की बहुत कमी है,
यदि हमें पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन की खुराक मिलती है तो हम 3 महीने के भीतर ही टीकाकरण पूरा कर सकते हैं। दिल्ली में 18 साल से ऊपर के 1.5 करोड़ लोग हैं, इसलिए हमें 3 करोड़ खुराक की आवश्यकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि दिल्ली को टीकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब 31 मई तक मात्र 9 रुपए में पाएं गैस सिलेंडर, जाने कैसे ले सकते हैं इस ऑफर का लाभ। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि पेट्रोल और डीजल के दामों के बढ़ने से जहां लोग परेशान हैं, वहीं एलपीजी सिलेंडर को लेकर ग्राहकों के लिए एक राहत की खबर है। अब यूजर्स एलपीजी सिलेंडर पर 1-2 नहीं बल्कि 800 रुपए का डिस्काउंट पा सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर अब आपको एलपीजी सिलेंडर मात्र 9 रुपए में मिल सकता है। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि पेटीएम ने हाल ही में कैशबैक ऑफर की शुरुआत की है, जिसमें ग्राहक एक गैस सिलेंडर की बुकिंग करता है तो उसको 800 रुपए तक का कैशबैक मिल सकता है और ये ऑफर 31 मई 2021 तक आप ले सकते हैं। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि इस ऑफर का लाभ वही ग्राहक ले सकते हैं जो पहली बार पेटीएम से एलपीजी सिलेंडर बुक करा रहे हैं। इस ऑफर के तहत ग्राहकों को एक स्क्रैच कार्ड दिया जाता है जिसकी कैशबैक वैल्यू 800 रुपए होती है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अब इस राज्य में फुल लॉकडाउन का ऐलान, 24 मई तक सब कुछ बंद। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि देश में भारी पड़ती कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच राज्यों ने सख्त लॉकडाउन का ऐलान कर दिया है। ताजा खबर तमिलनाडु से आ रही है, जहां 10 मई से 24 मई तक फुल लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। तमिलनाडु में एक दिन पहले ही अब तक की सबसे ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। इससे पहले पड़ोसी राज्यों केरल और कर्नाटक ने भी वायरस की दूसरी लहर के कारण शुक्रवार को पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी। और दोस्तों आपको बता दें कि 9 मई से गोवा में भी 15 दिनों के लिए कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि दक्षिण से पूर्वोत्तर तक राज्य लॉकडाउन लागू कर रहे हैं। आपको बता दें कि मिजोरम सरकार ने भी राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि मिजोरम के चीफ सेक्रेटरी ने राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों के मूवमेंट और अन्य गतिविधियों को नियंत्रित करने, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि 10 मई को सुबह 4 बजे से 17 मई की सुबह 4 बजे तक 7 दिन के लिए संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों को राहत, कैश पेमेंट को लेकर सरकार ने दी है ये छूट। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों को सरकार ने राहत दी है। अस्पताल में नगद भुगतान के नियमों को लेकर CBDT ने एक आदेश जारी कर दिया है। अब कोरोना मरीज इलाज के लिए 2 लाख से ज्यादा खर्च नगद में कर सकेंगे। कैश पेमेंट करने पर हॉस्पिटल को मरीज का पैन और आधार देना होगा। वहीं अगर रिश्तेदार पेमेंट कर रहे हैं तो उसका भी पैन आधार देना होगा। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना का इलाज करा रहे मरीजों को इलाज के लिए भुगतान करने के लिए इस आदेश के बाद राहत मिलेगी, परंतु आपको बता दें कि ये छूट 31 मई 2021 तक के लिए है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि छत्तीसगढ़ में हाईकोर्ट के आदेश पर आज से फिर से शुरू हुआ 18 प्लस वालों का टीकाकरण। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण की पेच में फंसकर रुका हुआ 18 प्लस वालों का टीकाकरण यानी कि वैक्सीनेशन शनिवार से शुरू हो गया। हाईकोर्ट के निर्देश पर सरकार ने आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक अंत्योदय, BPL और APL श्रेणी के हितग्राहियों का 1/3 अनुपात में टीकाकरण होगा। सरकार ने BPL और APL के टीकाकरण के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि जनता के प्राण जाए पर PM की टैक्स वसूली न जाए, राहुल गांधी ने यूं कसा तंज। दोस्तों आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना महामारी हमारे देश में बड़ी तेजी से फैल रही है, इस बीच कोरोना वैक्सीन की कीमतों के बाद अब उस पर लगने वाले टैक्स को लेकर घमासान शुरू हो चुका है। कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी ने मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। उन्होंने अपने ट्विटर वॉल पर लिखा है कि जनता के प्राण जाए पर PM की टैक्स वसूली न जाए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि भारत की मदद के लिए आगे आया थाईलैंड, ऑक्सीजन सिलेंडर सहित कई मेडिकल उपकरण भेजे। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि भारत कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण बेहद ही मुश्किल घड़ी से गुजर रहा है। ऐसे समय में अमेरिका, फ्रांस, रूस, ब्राजील सहित कई देशों से भारत को मेडिकल उपकरण मुहैया कराए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक अब थाईलैंड ने भी ऑक्सीजन सिलेंडर सहित कई मेडिकल उपकरण आज भारत भेजे हैं। थाईलैंड सरकार द्वारा भारत को 200 ऑक्सीजन सिलेंडर और 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि महाराष्ट्र में 54,000 से ज्यादा संक्रमित, जबकि 898 मरीजों की मौत। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी से सर्वाधिक प्रभावित कहे जा रहे महाराष्ट्र में एक दिन में 54,000 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, वहीं इस दौरान 898 मौतें हुई हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा में भी कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में राज्य में 11,807 कोरोना के नए मामले सामने आए, जबकि 24 घंटे में 21 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको बता दें कि 8,401 मरीज इस बीमारी से ठीक भी हुए हैं। वहीं झारखंड में पिछले 24 घंटे में 5,973 नए केस मिले हैं, जबकि 136 लोगों की मौत हो गई है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।